सब्सक्राइब कीजिए एएसपी टेक चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मेरा नाम है और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल एएसपी टेक चैनल। इस वीडियो में बहुत स्वागत। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप काइनमैटर से एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, मैं आप लोगों को खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर करने वाला हूं इस वीडियो। मैं काइनमैटर से यूज़ करता हूं, तो मैं कैसे एडिटिंग करता हूं, क्या क्या लगाता हूं, तो वीडियो एंड तक देखते रहना। आप भी फुल एडिटिंग करनी सीख जाएंगे इस वीडियो, वीडियो लास्ट तक देखते रहना। अगर आप काइनमैटर यूज करते हो, सिंपली आपसे काइनमैटर से एडिटिंग नहीं करनी आती, तो 100% कहता हूँ आप इस वीडियो देखने के बाद आप काइनमैटर से एडिटिंग करना सीख जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो वीडियो अंत तक देखते रहना। इस पर आपको बताता हूँ, अगर आप मेरे चैनल बनाए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए मैं अंदर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, सिंपली अगर मेरा एंड्रॉइड फ़ोन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सिंपली आपको करना होगा। देखिए, अगर आप चाहते हो अपने काइनमैटर यूज़ करते हो तो आपसे एडिटिंग नहीं करनी आती, इस वीडियो को देखने के बाद आप 100% एडिटिंग करनी सीख जाओगे। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सिंपली आपको अपना काइनमैटर जो आपको वो ओपन करना होगा। काइनमैटर मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, प्लस का आइकन पर क्लिक करना होगा। प्लस का आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एम्प्टी प्रोजेक्ट पर क्लिक करना होगा। एम्प्टी प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको मिल जाएगा मीडिया ब्राउजर का ऑप्शन। मीडिया ब्राउजर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट करना होगा, जो आप अपना बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं। जैसे कि मैं लगा देता हूँ अपना कोई सा बैकग्राउंड। सिंपली मैंने अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको लेयर पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको मीडिया पर जाना होगा। मीडिया पर जाने के बाद आपको यहाँ पर कोई बेल का इंट्रो लगा सकते हैं, जो कि आप अपने फ़ोन में अपने वीडियो पर यूज़ करते हैं। तो मैं पहले से अपना बेल का इंट्रो बना कर रखा था मैंने, तो मैं अपना बेल का इंट्रो लगा लिया हूँ। मैंने लगाने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं, आपको लेयर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो लेयर पर क्लिक करना होगा, मीडिया पर क्लिक करना होगा। आपको वो वीडियो सेलेक्ट करनी है जो कि आप अपने फ़ोन में रखते हो, तो जो आपने अभी शूट करी, तो शूट करने वाली वीडियो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, जो जिसके बारे में आप बताना चाहते हैं। तो देख सकते हैं, मैंने ये वाली वीडियो सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, मैं अपना जो मेरा ग्रीन बैकग्राउंड है इसको कैसे चेंज कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर मिल जाएगा आपको क्रोमा की का ऑप्शन, जो देख सकते हैं आप। क्रोमा की का ऑप्शन वाले पर क्लिक करना होगा। अब हमारा इसको वीडियो बैकग्राउंड को चेंज करना है, हमें हटाना है इसको, तो इसको अनेबल करना होगा। अनेबल करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको ठीक करने मिल जाएंगे, जो आप ठीक कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने ठीक कर लिया। करने के बाद आपको देख सकते हैं, अगर हमारा देखिए यहाँ पर मेरे वीडियो पर आता है, इससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक पहले से अपने पहले कंट्रोल पहले से रखा हुआ है डाउनलोड करके, तो आप भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जैसे कि मैं अपना बेल कंट्रोल लगा लेता हूँ, अब हमारा देख सकते हैं इसका भी थोड़ा बैकग्राउंड हमें हटाना है, जो आप देख सकते हैं ग्रीन बैकग्राउंड है, इसको भी हमें हटाना है। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्रोमा की का ऑप्शन फिर मिल जाएगा। क्रोमा की के ऑप्शन पर क्लिक करके हमारा ये बैकग्राउंड है, इसको भी हम हटा देते हैं। तो जैसे देख सकते हैं आप, हाँ, जैसे कि देखिए, मैंने अपना कोई वेब वो इंट्रो सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं कुछ, अब हमें इसको कट करना थोड़ा ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए कि इस वाले क्लिक करने का आपको कैंची का ऑप्शन मिल जाएगा, जो आप कट करना चाहते हैं। सिंपली इस पर क्लिक करके अपना कोई सा भी पार्ट कट कर सकते हैं। कट करने के बाद आपको यहाँ पर जो आपने वीडियो बैकग्राउंड रखा था उसको क्लिक करके आपको मिल जाएगा कट का ऑप्शन। कट का ऑप्शन करने के बाद आपको एक थोड़ा सा स्प्लिट देना चाहता हूँ, जो कि आप मेरे वीडियो पर आता है। तो स्लिप एड प्लेट पर क्लिक करके आपको अपना जो भी अपना रखना चाहते हैं 3D ट्रांसलेशन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर कोई सा भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, हमारा कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा हमारी वीडियो पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं अपनी इसको थोड़ा सा पार्ट को हमें कट करना हो, तो जैसे कि मैं आपको कट करके दिखा देता हूँ। अब हमारी यहाँ पर आता है हमारी चैनल का इंट्रो, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे चैनल का इंट्रो आता है। तो सिंपली इसको यहाँ पर लेयर पर जाने के बाद आपको मीडिया पर क्लिक करके अपना वो इंट्रो सेलेक्ट करना है, जो अपने चैनल का इंट्रो रखते हैं अपने फ़ोन में। तो सिंपली जैसे कि मैं देख लेता हूँ, मैंने अपने चैनल का इंट्रो लगा लिया है। चलाने मैं दिखा देता हूँ आपको, ऐसे लगा लिया। तो हमारा कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा ये।
देख सकते हैं आप। देख सकते हैं आप कुछ तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जाना होगा। देखिए फिर आपको यहाँ पर मिल जाएगा लेयर का ऑप्शन, लेयर का ऑप्शन पर मीडिया का ऑप्शन मिल जाएगा। मिलने के बाद आपको वो कोई सा भी अपने जो आपने अपने फ़ोन का PNG रखा था आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ऐसी सिंपली आपको डायरेक्टली ऐसी ग्रीन आपको वो रखना है तो सिंपली कोई सा भी रख सकते हैं। तो जैसे मैं अपना पहले से अपने बना कर रखा था मैंने फ़ोन का PNG, आप भी बना कर रख सकते हैं। क्योंकि मैं खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रहा हूँ जो कि मैं खुद सिलेक्ट करता हूँ। जैसे कि मैंने अपना बेल जो फ़ोन का इंट्रो वो सिलेक्ट कर लिया है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देते हैं। करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए, फिर आपको यहाँ पर लेयर पर क्लिक करने के बाद, आपको मीडिया पर क्लिक करने के बाद, आपको कोई सा भी जो कंप्यूटर रिकॉर्डिंग जो आपने बनाई थी अपने रिकॉर्डर मास्टर से, आप तो वो सिलेक्ट करनी है। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं आप, मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। आप हेलो दोस्तों, सिंपली अगर हमारे एंड्रॉइड फ़ोन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो सिंपली आपको करना होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, मैं पूरा चला के दिखा देता हूँ आपको कुछ शुरू शुरू में स्टार्टिंग। सब्सक्राइब कीजिए ASP टेक चैनल को, साथ साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको। और आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि हमारी आवाज़ थोड़ी स्लो मोशन आ रही है तो कम, मतलब थोड़ा सा ऑडियो पर क्लिक करके हम इस तरह से हमारी आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में बहुत स्वागत। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप काइन मैटर से एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, वो भी तो इस तरह से हम कर सकते हैं। देख सकते हैं आप। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।